So this is the second chapter of class 12, sexual reproduction in flowering plants. This ye aapka syllabus hai. Ye dekhiye flower structure, development of male and female gametophyte, pollen types, pollination type hai. Iska ye hum log dekhte hain. Iska elaboration of the syllabus kya hai? Pre-fertilization structure and events, structure of microsporangium, TS of transverse section of anther, microsporogenesis, structure and development of pollen grain. And viability of pollen grain, economic importance of pollen grain. तो पहले हम लोग ये करते हैं और एक एक कर How flowers are useful in the role of angiosperm? First page जो आपका है इसमें ये paragraph अच्छा दिया हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा. Actually ये इन्होंने sporophytic phase और gametophytic phase angiosperm यानी flowering plant की बताई है और ये क्यों बताया है कि flowers क्यों essential है. तो देयर आर टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. जैसा कि हम जानते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है. प्लांट बॉडी जो है जब डेवलप करती है और वेल डेवलप हो जाती है डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीव्स में, तो ये एक डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट करती है ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की. और ये जो स्पोरोफाइट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन एंजियोस्पर्म्स. और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर जो डेवलप होते हैं स्टेमन और कार्पेल में यानी पॉलन ग्रेन और जो आपका ओव्यूल है रिडक्शन डिविजन से, वो फर्स्ट सेल ऑफ द जो है आपका गैमेटोफिटिक फेज होते हैं. माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स को गिव राइज करता है. मेगास्पोर जो है आपका मेल फीमेल गैमेट्स को स्पोर, मेगास्पोर यानी एम्ब्रायो सैक एंड माइक्रोस्पोर इज पॉलन ग्रेन. तो ये जो गैमेटोफिटिक फेज है वो बहुत ही इनकॉन्स्पिशियस है, छोटी है और एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड है और जो है डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट में. किसी भी सर्कमस्टेंसेज में ये अगर प्लांट से सेपरेट हो जाती है तो इसका सर्वाइवल नहीं हो पाता है. डिप्लॉइड जायगोट जो फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के, वो जो है स्पोरोफिटिक फेज को बनाता है और इससे आपका जब जायगोट बनता है तो जायगोट जो है आपका एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है. एंड फ्लावर इसलिए फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. ये आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे, हो सकता है वो डिफरेंशिएट में पूछ लें या किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. नाउ कम टू फ्लावर. आपका जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एक्सप्लेन करिए. तो फ्लावर जो है इससे क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाले हैं, हो सकता है वो फ्लावर की डेफिनेशन पूछ लें या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स पूछ लें. तो फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपकी पहली चीज हो गई डेफिनेशन में देखें तो. और फ्लावर को जो है वो कंडेंस शूट होती है जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स जो है वो सक्सेसिव लेटरल ऑर्गन्स होते हैं, ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें फोर सेट्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जो कि सक्सेसिवली सोलन एंड और स्टॉक या पेडिसल में जो है जिसे थैलेमस भी बोला जाता है, रिसेप्टिकल भी बोला जाता है, उससे अटैच होते हैं. टू सेट्स होते हैं बाहर की तरफ एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, टू सेट्स अंदर की तरफ होते हैं एसेंशियल ऑर्गन. एसेंशियल ऑर्गन वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, ये एलएस ऑफ द फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, ये आप पहले भी कर चुके हैं. दिस इज सेपल, दिस आर ओव्यूल्स, दिस आर फिलामेंट, एंथर, ये पेटल है आपका, ये स्टिग्मा है, स्टाइल हो गया, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर लोक्यूल्स हो गए, लोक्यूल्स के अंदर ये ओव्यूल्स हो गए आपके, ये रिसेप्टिकल है जिससे ये सारे फ्लावर्स सेपल पेटल या आपका ओवरी यानी कि कार्पेल एंड स्टेमन अटैच है. तो ये हो गया पेडिसल जिससे आप फ्लावर को पकड़ते हैं. तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर. द एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो सेपल्स होती हैं, जब सेपल्स का कलेक्शन है उन्हें कैलिक्स कहा जाता है. पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल फ्लावर लीव्स होती हैं इसकी, उन्हें कलेक्शन कलेक्टिवली कोरोला कहा जाता है. मोनोकॉट्स में कैलिक्स और कोरोला जो है अनडिफ्रेंशिएटेड, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, उस कंडीशन में उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं पेरियंथ. पेरियंट को कलेक्टिवली जो है और बोला जाता है, और इंडिविजुअल मैमल अगर उन्हें मेंबर बोलना है तो टेपल बोला जाता है. यानी कैलिक्स और कोरोला में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं मोनोकॉट में, जैसे कि लिली वगैरह प्लांट में होता है. ठीक है, और उनकी एक एक लीव को आपको टेपल बोलना होता है. सेपल्स जो है यहाँ पर ये पेरियंथ और टेपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ये हो सकता है वो पूछ लें इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लें या कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, किसको पेरियंथ की डेफिनेशन लिखो ऐसा. सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स, ये हैं सेपल्स आपकी जो कि इनर फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोटेक्ट करते हैं. और जो ये आपका पेटल्स है, पेटल्स इलैबोरेट ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इनका फंक्शन हो गया.
एसेंशियल ऑर्गन्स में आ जाए, एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर जो है वो स्टेमन यानी माइक्रोस्पोरोफिलस भी बोलते हैं इनको, और विच मेकअप द एंड्रीशियम और कार्पेल जो है वो मेगा स्पोरोफिल्स है, और जिन्हें ये कार्पेल्स को टुगेदर जो है गाइनेशियम बनाते हैं। एंड्रीशियम में स्टेमेंस होते हैं यानी कलेक्शन ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रीशियम, और ये जो एंड्रीशियम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर है। स्टेमन जो है वो सिलेंडर ऑर्गन है, उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल जो ऊपर की तरफ है वो स्टेराइल पार्ट है जिसे बोलते हैं एंथर, और नीचे की तरफ जो है वो आपका फिलामेंट है। मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टेमन, ये दिस इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। इस पूरे को एज अ होल जो है स्टेमन बोला जाता है, ये एसेंशियल पार्ट है और एसेंशियल ऑर्गन है, एसेंशियल फ्लोरल अपेंडेजेस है। द एंथर यूजुअली कंसिस्ट फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उन माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, और इनके बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्ट्रिप ऑफ टिश्यू लाई करती है जिसे कनेक्टिव बोलते हैं। द गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पिलरी यानी एक कार्पेल से बना हो सकता है या कई कार्पेल्स हो सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। कार्पेल में जो है प्रॉक्सिमल ओव्यूल होते हैं बियरिंग अ पार्ट ओवरी, सोलन एंड होता है जिसे ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। डिस्टल पोलन रिसेप्टिव स्टिग्मा होती है और जिसमें कि आपका पोलन ग्रेन जो है आता है वहां पर, पोलन ग्रेन अटैच होता है वहां पे। स्टाइल जो है वो एक पैसेज का तरह का है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी विच कंटेन ओव्यूल्स। और अरेंजमेंट जो प्लेसेंटा से अरेंज होते हैं ये ओव्यूल, और लोक्यूल जो है वो चैम्बर होते हैं ओवरी के अंदर जिसके अंदर ओव्यूल्स आपके होते हैं। द पैटर्न और ओव्यूल अरेंजमेंट इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इसकी डेफिनेशन पूछा जा सकता है। और बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इंटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इंटू फ्रूट। तो ये आप कर लेंगे स्ट्रक्चर्स में। शॉर्ट क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है, लॉन्ग क्वेश्चन तो एज इट इज नहीं पूछ सकते हैं इसमें से। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट का डिफरेंशिएट फ्लावर का पूछ सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिनमें चारों होल्स हैं यानी चारों जो फ्लोरल अपेंडेजेस वो पाई जाती हैं, जैसे कैलिस करोला एंड्रीशियम एंड गाइनेशियम, उन फ्लावर्स को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जैसे पी फ्लावर हो गया आपका स्वीट पी फ्लावर। इनकम्प्लीट वन और मोर होल्स ऑफ द मिसिंग इन फ्लावर देन इट इज सेट टू बी इनकम्प्लीट, जैसे सनफ्लावर के केस में हो गया। ठीक है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर भी वही चीज है। परफेक्ट फ्लावर वो होते हैं जो बायसेक्सुअल है जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो, और ये जो है यूनिसेक्सुअल इम्परफेक्ट होते हैं जिनमें या तो गाइनोशियम प्रेजेंट हो या एंड्रोशियम प्रेजेंट हो। अगर जिसमें केवल स्टेमेन होते हैं जिस फ्लावर में उसे स्टेमिनेट फ्लावर बोला जाता है, जिसमें केवल कार्पेल होती है उन्हें पिस्टिलेट फ्लावर बोला जाता है। इस बोथ स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर एक प्लांट में हो सकते हैं, इस कंडीशन को मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। मोनो मतलब एक ही प्लांट, एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो तो उन्हें मोनोशियस प्लांट बोलते हैं, जैसे आपका कोकोनट कारा पपाया फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। और स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अलग अलग प्लांट्स में, और डाइशियस प्लांट बोला जाता है जैसे कि आपका डेट पाम है ना, और ये आपका कोकोनट हो गया और ये आपका कारा हो गया, ये मोनोशियस हो गया। डाइशियस में आपका डेट पाम हो गया, ठीक है, और पपाया हो गया। तो ये आपने कर लेना है। इसके बाद ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आप उसमें पढ़ चुके हैं आपके प्रैक्टिकल्स में, ये इसमें से नहीं पूछेंगे। एस्टिवेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स इन द ऑफ द सेम होल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर, सिंपल डेफिनेशन, उसे एस्टिवेशन कहते हैं। ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल में इसके बारे में पूछ चुके होंगे। तो ये सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब आप छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाउ कम डायरेक्टली हियर, प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स छोड़ दीजिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली आप यहां पर आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता दूं, स्ट्रक्चर क्या है। एंथर जो है वो बायलोब्ड, यूजुअली बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर एक लोब में दो थेका होती हैं, इसीलिए इसे डायथेकस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो ये क्या क्रॉस सेक्शन कैसे है, फोर लोब्स अपियर होती है टेट्रागोनल एंड इट कंटेन्स फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट फोर कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। एंथर में जो है टिपिकल एंथर टू लोब्स होती हैं, डायथिकस होती है और ईच एंथर लोब हैज यानी दो लोब होते हैं एंथर में, उन दो लोब में दो पॉलन चैम्बर होते हैं, यानी ओवरऑल ये दो लोब्स हैं, ये एक लोब और ये दूसरी लोब, ये दो लोब हैं यानी डायथिकस कंडीशन है और इन लोब्स में दो दो पॉलन चैम्बर हैं, ये पॉलन चैम्बर है जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला जाता है।
इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं ईच प्लांट. तो यही इसमें लिखा हुआ है. इन क्रॉस सेक्शन इट अपीयर्स टेट्रागोनल एंड इट कंटेन्स फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट फोर कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब. और माइक्रोस्पोरेंजिया आफ्टर डेवलपमेंट बिकम पॉलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजिया ये पॉलन सैक बन जाएंगे और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स. तो आगे हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तो हम लोगों ने कर ही लिया है. यहां पर आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर मैं बता देती हूँ, या माइक्रोस्पोरेंजिया से अगर आप कहें तो. डेवलपमेंट ऑफ एंथर हो तो भी यही आंसर लिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया हो तो भी, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एंथर के अंदर ही है. अ यंग एंथर यूजुअली बिकम्स फोर लोब्ड होता है डेवलपमेंट. कुछ हाइपोडर्मल सेल होती है वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती है इन दीज लोब. इन्हें आर्ची स्पोरियम सेल्स बोलते हैं जो कि डिवाइड करती हैं और प्राइमरी पेराइटल सेल बाहर की तरफ बनाती हैं और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो हैं अंदर की तरफ बनाती हैं. प्राइमरी पेराइटल सेल्स फर्दर डिवाइड होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ सेल लेयर्स आगे चल के बनाता है विच फॉर्म द वॉल्स ऑफ एंथर. और ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर्स होती हैं ये डायरेक्टली इनमें माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है. तो बात समझ में आ गए, प्राइमरी पेराइटल सेल से उसकी एंथर वॉल्स बनती है. ये आप देख रहे हैं ना, ये एंथर वॉल्स जो है ये प्राइमरी पेराइटल सेल से बनी है और ये जो अंदर जो आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे वो बनेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर से. ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका इस बिगनिंग में इस तरीके का था आपका एंथर कह लें या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लें. फिर इसमें चार लोब्स इस तरीके से चारों तरफ साइड में बन गई, कुछ सेल्स आर्ची स्पोरियल सेल्स हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज में बिकम डिस्टिंक्ट हो गई हैं, उसमें से पेराइटल सेल बाहर की तरफ पेराइटल सेल बन गई हैं, अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बन गई हैं. जो पेराइटल सेल हैं उन्होंने चार लेयर्स बना ली हैं, ठीक है, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस अभी मैं आगे चल के बताती हूँ. ये टू थ्री लेयर्स जो है वो मिडिल लेयर की और अंदर ये एक सिंगल लेयर टेपिटम. इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगा और आगे चल के वो क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन. तो ये जो है सीक्वेंस पूरा है. सीक्वेंस तो बहुत कम ऐसे पूछेंगे, ये वाला डायग्राम पूछ सकते हैं, ये जिसको आपको इस तरीके से करके इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल बना देंगे और ये इसका बना देंगे कि ये चार लेयर्स हैं और अंदर इस तरीके से है. इसके बाद आप आ जाएं डेवलपमेंट ऑफ एंथर हो गया माइक्रोस. अब डेवलपमेंट ऑफ एंथर वॉल इसके बाद देखें. द वॉल ऑफ द एंथर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, सबसे बाहर है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर दो या तीन लेयर है, फिर सिंगल लेयर ऑफ टेपिटम है. इसके बाद ये छोड़ देंगे, जितना पार्ट हाइलाइटेड है सिर्फ वही करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं. यहां पर आएंगे, द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन एंड प्रोडक्शन एंड हेल्प इन डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. जो ये बाहर की तीन वॉल हैं आपकी आपका एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये जो है ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं और डिहिसेंस में भी हेल्प करती हैं. जब एंथर मेच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन के डिहिसेंस में हेल्प करती हैं. जो अंदर की सिंगल लेयर टेपिटम है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करती है, पोलन मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. तो इनका फंक्शन पूछा जा सकता है. प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो है डायरेक्टली आफ्टर डिवाइडिंग माइटोटिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है. हर एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और उनमें मियोसिस होता है यानी रिडक्शन डिवीजन होता है और फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. यही माइक्रोस्पोर्स जो है वो क्या है, वो आपके पोलन ग्रेन है. तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं या पोलन मदर सेल पीएमसी बोल रहे हैं थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन माइक्रोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद ये माइक्रोस्पोर जो क्या है आपके पॉलन ग्रेन है इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा. द फोर माइक्रोस्पोर्स फॉर्म फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल आर यूजुअली अरेंज इन टेट्राहेड्रल या टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं. इस तरीके से टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं. लेटर ऑन जो है ये टेट्राड शेप यूजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर जब एंथर मेच्योर हो जाता है. और इसके बाद जो है यहां पर मैंने लिखा है द एंथर एज द एंथर मेच्योर द एंड डिहाइड्रेट द ये जो टेट्राड है डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन टू पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन जो है उसे मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. लेटर रिलीज ड्यू टू डिहिसेंस ऑफ एंथर के डिहिसेंस होने से. यहां पे एक वर्ड आता है, इसको अलग से कर दीजिएगा, वो पॉलिनियम का अलग से पूछेंगे. कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली होती हैं जिसमें SLPDAC जैसे है, इसमें जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं वो पॉलन सैक यानी सिंगल मास एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे पॉलिनियम बोलते हैं. तो आप इसको पॉलिनियम को अलग से कर लेंगे.
माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर्स पहले चार के फॉर्म में जुड़े होते हैं, बाद में जब मेंथर जो है मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तब ये स्प्रेड होते हैं, डिटैच होते हैं आपस से। ठीक है, ये पॉलीनियम का डायग्राम है, इसको डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस पॉलीनियम की डेफिनेशन कर लीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं हम लोग। नाउ कम टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में ये आपको लिखना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, ये तो पता है आपको। पॉलन ग्रेन जो है उसका मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड अ पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर स्पोर में टू वॉल लेयर्स होती हैं, आउटर थिक होती है, ऑर्नामेंटेड एक्साइन होता है, और इनर स्मूथ जो है थिन इंटाइन होता है। एक्साइन में फैसिनेटिंग एरेज और पैटर्न होते हैं, जो किससे कंपोज होते हैं, स्पोरोपोलिनिन, हो सकता है वो स्पोरोपोलिनिन का कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे दें, या वो ये स्पोरोपोलिनिन का कोई एक वन मार्क का बोल दें कि इसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन में दे दें, अ सब्सटेंस जो है ये इसे मोस्ट बायोलॉजिकल मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस माना जाता है, क्योंकि ये हर हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड, एल्कली, सबसे ये रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, एंड रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से, इसीलिए नेचुरल डिके ऑफ पॉलन ग्रेन को नहीं हो पा करता है और पॉलन ग्रेन बच जाते हैं, इसीलिए पॉलन ग्रेन को फॉसिल रिकॉर्ड्स के में यूज किया जाता है, क्योंकि यही जो है बहुत समय तक रह सर्वाइव कर पाते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज फार नोन, सिंस पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स एट वन और मोर प्लेसेस। एक्साइन किसी किसी जगह नहीं होती, उस रीजन को जंपोर बोलते हैं, और इसी जंपोर से पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट होती है। ये ध्यान रखेंगे कि इंटाइन जो है किससे बना है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से बना होता है, एंड इन टाइम्स ऑफ पॉलन जर्मिनेशन यही प्रोट्यूड आउट होता है जंपोर से एंड गिव राइज टू पॉलन ट्यूब। और ये जो ये पॉलन किट के बारे में हो सकता है, वो पॉलन किट का दे दें कि पॉलन किट के बारे में लिखिए, वन मार्क, ओनली वन मार्क। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होता है कि एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन जो है वो कवर्ड होती है विद येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंस से कवर्ड होती है, इसे बोलते हैं पॉलन किट। बस इतने काफी है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स में आ जाए, वैसे तो पॉलन ग्रेन्स आप जानते हैं एलर्जी कॉज करते हैं, लेकिन कई जगह पॉलन ग्रेन को खाया भी जाता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, बहुत हाई होती है, प्रोटीन रिच होता है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसे पार्थीनियम स्पीशीज भी बोलते हैं, कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स में, एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब क्रिएट करता है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसे पॉलन टैबलेट्स आर यूज एज फूड सप्लीमेंट की तरह भी इसे यूज किया जाता है। इट इज क्लेम दैट पॉलन कंजप्शन इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, तो एथलीट्स वगैरह इसे ज्यादा खाते हैं। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कितनी है, जैसे जैसे ही पॉलन ग्रेन शेड होता है एंथर से, तो ये लैंड करता है स्टिग्मा में, तो बहुत एजेंसीज होती हैं के थ्रू लैंड करता है, और ये अब उसी समय से ही अपनी वायबिलिटी लूज करना शुरू कर देता है। सबके प्लांट्स की अलग अलग वायबिलिटी होती है। द पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर हाई पीरियड वेरिएबल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग, कितने टेम्परेचर में रहा है वो अब तक, या क्या वहां की ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ सीरियल्स हैं, जैसे राइस एंड वीट हैं, इनके पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स में, ये राइस और वीट की वायबिलिटी जो है वो लूज होने लगती है। जबकि जो कुछ स्पीशीज हैं जैसे रोजेसी, सोलनेसी और फेबेसी स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं, दे रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स तक वायबल रहते हैं। नाउ अ पॉलन्स कैन बी स्टोर फॉर ईयर्स, अब रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसे हम कहते हैं, एंड सच स्टोर्ड पॉलन्स आर नोन एज पॉलन बैंक, इन पॉलन बैंक में रखा जाता है। पॉलन बैंक के बारे में ये वन मार्क में पूछ सकते हैं। तो पॉलन बैंक क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन कंटेनिंग मेल जेनेटिक मटेरियल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड में, लिक्विड नाइट्रोजन में इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है पॉलन बैंक में फॉर क्रॉप ब्रीडिंग। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन जो है डिवाइड्स टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स, हम जानते हैं पॉलन ग्रेन में दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक स्मॉलर जेनरेटिव सेल और बड़ा जो लार्जर वेजिटेटिव सेल होता है। ये जेनरेटिव सेल जो है शुरू में तो इंटाइन से अटैच रहता है, लेटर ऑन ये जेनरेटिव सेल फ्रीली वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करने लगता है, एंड अबाउट 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन शेड एट टू सेल स्टेज, यानी उनमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स होते हैं। लेकिन ये जेनरेटिव सेल बाद में मेटोटिकली डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बन जाते हैं, तो यानी ओवरऑल 40% जो है थ्री सेल स्टेज में होते हैं, एक तो हो गया वेजिटेटिव और दो हो गए मेल गैमेट्स। ईच मेल गैमेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि किस टाइप के डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए, एक तो आपको ये आ सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विंग ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टू सेल्स विद इन अ पॉलन ग्रेन, या सिंपल पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाओ, बहुत सिंपल अगर उन्होंने दे दिया तो
ठीक है, पॉलन ग्रेन, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, जनरेटिव हो गया, और ये डिवीजन हो गया, ये एक्साइन आउटर आपने थोड़ी प्रोट्रूडेड फैसिनेटिंग एरे बना दिया, इनर की इनर इंटाइन स्मूथ बना दिया, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और हो सकता है, यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बना, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ किस, उसको उससे डायग्राम से बताइए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन मदर सेल है, मियोसिस हुआ पहला, इस तरीके से दो बना दिए, डायड बन गया, इसके बाद आपने सेकंड मियोसिस कर दिया और ये टेट्राड बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है। एक और हो सकता है यहां पर, द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ गिवन। देखिए मैंने ये डायग्राम आपको, ये मैंने एक, मैंने अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी बेस्ड, वो आप देख लेंगे, उसमें मैंने बना के बताए हैं पूरे, खुद ही स्ट्रक्चर सारे बनाए हैं, और सारा क्वेश्चन वो क्वेश्चन बैंक है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ ये सीबीएसई बोर्ड का, उसमें आपको पूरा ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, वो आपको बहुत हेल्पफुल करे अगर आपके पास टाइम है तो, उसे आप देख लीजिए। दिस इज एपिडर्मिस लेयर, सिंगल लेयर, फिर एंडोथीशियम हो गया, फिर टू थ्री लेयर आप मिडिल लेयर बनाएंगे, बीच में आप माइक्रोस्पोर, फिर उसके बाद एक टेपेटम लेयर बनाएंगे सबसे अंदर वाली, फिर अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना देंगे, ये सेक्शन ऑफ इनलार्ज विवो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये तीन डायग्राम है और एक डायग्राम और है, टीएस ऑफ डिहाइज्ड एंथर, ये डायग्राम बहुत पूछा जाता है, एक मेरे ख्याल से 2018 में पूछा भी गया है। इसमें स्टोमियम बनाएंगे ये इस तरीके से, ये एपिडर्मिस एक बनाएंगे, फिर एंडोथीशियम एक लेयर की बना देंगे, पॉलन ग्रेन्स बना देंगे, सिंपल बनाना है इसमें, और यहां से ये ब्रेक हुआ दिखाएंगे, ये डिजेनरेटेड मिडिल सेल्स बना देंगे, देख लीजिएगा आपकी बुक में ज्यादा क्लियर बना हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने बनाना सिखाया है, अगर आपको सीखना है कि कैसे बनाना है और कितनी जल्दी बनाना है तो आप उस वीडियो को आप मेरे देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनसीईआरटी बेस्ड या सीबीएसई बोर्ड लिखा होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव टू, ये हमने कर लिया, कम टू स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट में आ जाते हैं, हम जानते हैं ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं ओवरी में और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आ जाते हैं स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल बनाए, ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल हैज अ मैसिव, सबसे पहले ओव्यूल में मैसिव पेरेनकाइमेटस बॉडी होती है, यानी पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ मैसिव बॉडी है ओव्यूल, जिसे न्यूसिलस कहते हैं, यानी जितनी भी सेल्स हैं ओव्यूल की वो सब क्या है, न्यूसिलस है, और इट इज इनक्लोज, ये इनक्लोज होता है बाय टू, वन और टू शीथ ऑफ इंट्यूगमेंट्स, टू जनरली टू इंट्यूगमेंट्स हम लोग बनाते हैं, सिंगल इंट्यूगमेंट अगर किसी किसी में है तो उसे यूनिटेगमिक बोलते हैं, अगर दो इंट्यूगमेंट्स हैं तो उन्हें बायोटेगमिक बोलते हैं। तो ये जो इंट्यूगमेंट्स हैं कंप्लीटली कवर द न्यूसिलस लीविंग ए स्मॉल एरिया, केवल स्मॉल एरिया को नहीं छोड़ती हैं, जहां पर नहीं कवर है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का वो पूछ लेंगे, और ये ओपनिंग है जहां से जो है मेल गैमेट्स एंटर करते हैं, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग थ्रू विच द मेल गैमेट एंटर्स इन टू द एम्ब्रायो सैक। तो ये उसका फंक्शन हो गया। ओव्यूल इज अटैच विद द प्लेसेंटा बाय स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। तो ये देखिए ये फ्यूनिकल है जिससे ये ओव्यूल जो है वो अटैच है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू द फ्यूनिकल, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल वेयर द न्यूसिलस इंट्यूगमेंट फ्यूनिकल मर्ज, जहां पर ये सब मर्ज हो जाता है, ये आपका इंट्यूगमेंट है, आपका फ्यूनिकल है, न्यूसिलस, ये सब मर्ज हो जाता है, इसको चलजा एंड बोलते हैं, दिस इज द चलजा एंड। माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है चलजा एंड, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ये इसको करने की जरूरत नहीं है। देन कम टू हेयर मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं, विद इन द ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं, इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक का बनना, उसको यानी मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर के बनने के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपको पूछ लें। अ हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस की जो हाइपोडर्मल सेल है माइक्रोपाइल एंड की, वो डिफ्रेंशिएट होती है, और डिफ्रेंशिएट होकर क्या बोलते हैं उसे, आर्चिस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर सेल क्योंकि कॉन्स्पिशियस साइज, बड़ा साइज हो जाता है, डेंस न्यूक्लियस हो जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है। ये देखिए पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, इन्हीं में से कुछ जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। आर्चिस्पोरियल सेल जो है डायरेक्टली फंक्शन करने लगती है, एज अ मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है, और ये ट्रांसवर्सली कट करती है सेल्स को, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, आउटर पेराइटल सेल्स को बनाती है, और अंदर जो है स्पोरोजेनेस, जैसे आपने उसमें देखा था पॉलन ग्रेन में, वैसे ही सेम चीज है दैट एंथर्मिक के केस में देखा था आपने, फंक्शंस एट द मेगास्पोर मदर सेल की तरह। एंड द मेगास्पोर मदर सेल जो है उन्हें एमएमसी बोलते हैं, जिसमें कि मियोसिस होता है, और वो बनाती है फोर हैप्लोइड मेगास्पोर्स। इन फोर में से तीन तो हैं जो वो फंक्शनल नहीं होते, केवल एक ही फंक्शनल होता है, जो बड़ा हो जाता है वही फंक्शनल होता है।
इन डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए है कि आपकी जो आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं वो जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डोमिनेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म उसका कंडेंस हो जाता है और वो डायरेक्टली या तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फॉर्म बिहेव करने लगती हैं, या तो वो सेल्स बनाती हैं जिनमें आउटर पेरेटल सेल बनाती हैं, इनर स्पोरोजेनस सेल्स बनाती हैं। ये जो इनर स्पोरोजेनस सेल्स हैं वही मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती हैं और उनमें मियोसिस होता है जो कि मेगास्पोर्स बनाते हैं। हर एक सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है जिनमें से 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक को, यानी मेगास्पोर को बोलते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर जो है ऑफ द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, मदर सेल फीमेल गैमेटोफाइट के जो मदर सेल है उसका जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में ग्रो करता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक बनाता है। उसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और डेफिनेट मैनर में एम्ब्रियो सैक में अरेंज होता है। 3 न्यूक्लियाई तो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड में आपके अटैच हो जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इनको एग एपरेटस भी बोला जाता है, जिनमें से एक तो है जो बड़ा वाला होता है वो एग होता है, बाकी के 2 जो सपोर्टिंग होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं। इसके बाद आपका ये जो सेकेंडरी जो ये एंटीपोडल सेल हैं, बाकी के जो हैं वो अपोजिट एंड में अरेंज हो जाते हैं। चलेजल एंड में जो एंटीपोडल सेल्स 3 अरेंज हो जाते हैं रिमेनिंग, और बाकी के जो 2 हैं वो पोलर न्यूक्लियस बीच में माइग्रेट कर जाते हैं सेंटर में और बाद में वो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल लार्ज सेल ऑफ द एग एपरेटस इज फीमेल गैमेट, तो ये जो बीच वाला है ये सेंट्रल लार्ज सेल, ये एग एपरेटस का ये फीमेल गैमेट है और ये पार्शली सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड सेल्स होता है। द मैच्योर गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक डज हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई है। मैच्योर अगर एम्ब्रियो सैक में देखें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 1 एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, यानी टिपिकली देखे जाए तो 8 न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेल कितनी है 3, ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल बन गया है तो 4 5 6 7, यानी 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस की स्टेज होती है मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। ये डायग्राम आपको करना है, सिंपल डायग्राम बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर हैज 8 न्यूक्लियस एंड सेट टू मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो, क्योंकि एक ही स्पोर बना है, स्पोर से बना है इसलिए 8 न्यूक्लियट सिंपल ये मोनोस्पोरिक बोलेंगे एंड 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, 81% फ्लावरिंग प्लांट में यही होता है। देखिए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेगास्पोरेंजियम, एनाट्रोपस ओव्यूल वही नॉर्मल ओव्यूल है, सबसे ज्यादा जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ये आप सबको पता है, जिसमें कि ये जो है हाइलम और फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल बिल्कुल नियर होते हैं, यानी ये उल्टा होता है, उलट जाता है, ठीक है। तो दिस इज द चलेजा एंड दीज आर एंटोपिडल एंटीपोडल सेल्स, दीज आर पोलर न्यूक्लियर, दीज आर एग सेल, सिनर्जिड्स, हाइलम, फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल एंड है। दिस इज एम्ब्रियो सैक, इंट्यूगमेंट और न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बस बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको बनाना है। इधर मैं बता दूं ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इसमें फिलिफॉर्म अपरेटर्स होते हैं, ये फिलिफॉर्म अपरेटर्स जो है ये गाइड करते हैं मेल गैमेट को ताकि वो एग सेल से फ्यूज कर सके। तो फिलिफॉर्म अपरेटर्स प्रेजेंट्स इन सिनर्जिड्स एंड द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटर्स इज टू गाइड मेल गैमेट्स टूवर्ड्स एग सेल फॉर फ्यूजन, ये कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का क्रॉस सेक्शन होता है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, दिस इज चलेजा एंड आप चाहें तो उसमें ओव्यूल के अंदर भी बना सकते हैं। ये देखिए ये दिस इज द फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन 2 सिनर्जिड्स, ये पीछे वाला बड़ा सेल है, ये एग सेल बनाया है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंट्रल सेल से फ्यूज हैं और ये एग सेल है। दीज आर सिनर्जिड्स फिलिफॉर्म एपरेटस माइक्रोपाइल एंड में ये आपका एग एपरेटस होता है। तो ये एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का जब डायग्राम आएगा, ये आ चुका है ये भी, तो तब करेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल का आएगा तब आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो है यहां पर देखिए टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट तक कर लिया है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन करना है ऑटोगैमी, चेस्मोगैमी, क्लीसेटोगैमी, गीट्रोनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी। एडेप्टेशन इन फ्लावर पॉलिनेटेड बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट केवल करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन करना है और कॉन्ट्रोवेंसेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन करना है। तो चलिए
तो यहाँ पर पॉलिनेशन देखते हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और यूजुअली ऑफ द सेम स्पीज. सेम प्लांट के ही फ्लावर हो या दूसरा प्लांट का फ्लावर हो, लेकिन दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए. ये एसेंशियल फंक्शन है पॉलिनेशन. प्री रिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग सीड सेट या फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन इज मस्ट. टाइप ऑफ पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होना चाहिए, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ये ऑटोगेमस या गिप्नोगेमस बोलते हैं. अगर सेम फ्लावर में है, अगर ये ऑटोगेमस और गिप्नोगेमस, इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं, बहुत इजी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ मैरिज मीन्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी का सिंपल एग्जाम्पल जो है आपका बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जैसे स्वीट पी हो गया आपका, है ना. इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है ये कर लेंगे. सम प्लांट्स सच एज वायोला, जिसे कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सेलिस, जिसे वुड सॉरल बोलते हैं, और जैसे कि बालसम हो गया, ये कॉमेलिना, बहुत एग्जाम्पल कॉमन है. ये कॉमेलिना प्रोड्यूसर्स ये दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स टू अदर स्पीसीज. नॉर्मल फ्लावर होते हैं जिसमें एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा होता है. और एक क्लिसेटोगेमस फ्लावर्स होते हैं, ये जो है बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, यानी इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है. तो इसमें इसलिए जो है ये दस क्लिसेटोगेमस व्हेन एंथर डिहाइज इन द फ्लावर बर्ड्स पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन. दस क्लिसेटोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरेबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. तो ये क्लिसेटोगेमस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को ही फेवर करते हैं. देखिए यहां पर बना हुआ है, ये देखो गिटनोगैमी में दो फ्लावर एक ही प्लांट के अलग अलग हैं, तो ये तो हो गया आपका गिटनोगैमी, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है. क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन डिफरेंट प्लांट है, एक फ्लावर के एंथर्स जो है दूसरे के स्टिग्मा में जाता है. ये सेल्फ पॉलिनेशन का है, अपने ही पॉलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा में जाए तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. गिटनोगैमी जो है ये आपका एग्जाम्पल हो गया व्हेन पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स जो व्हेन पॉलन्स ऑफ द फ्लावर पॉलिनेट एनी अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट इज नोन एज गिटनोगैमी. ठीक है, तो ये जो गिटनोगैमी जो है वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है, इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है इसे, लेकिन जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है सेम प्लांट के ही होते हैं. ठीक है, तो इसमें जीन जो है वो चेंज नहीं होता है. कॉन्ट्रोवर्सी और एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिसेटोगेमस फ्लावर होना या होमोगेमी, एक ही टाइम पे दोनों का एंथर और स्टिग्मा का मैच्योर होना बहुत जरूरी है, जिसे होमोगेमी कहते हैं. क्लिसेटोगेमी में क्लिसेटोगेमिक फ्लावर्स जो भी पूरे के पूरे बंद ही रहते हैं, जैसे ऑक्सेलिस वुड सॉरल हो गया, वायोला जिसे पेंसी बोलते हैं, बालसम हो गया, या कॉमेलिना बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्लिसेटोगेमस फ्लावर का, ये कर लेंगे आप. इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. एडवांटेजेस ये है सेल्फ पॉलिनेशन का कि ये जो है इट लीड्स टू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन हैज ग्रेटर रिलायबिलिटी. जरूर होगा फर्टिलाइजेशन, पर्टिकुलरली जहां पर इस सेपरेटेड लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहां पर तो ये जरूर होगा. इट हैज एडवांटेज दैट द प्रोसेस इज नॉट, तो यानी श्योर है कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो फर्टिलाइजेशन होगा ही. डिसएडवांटेज इसका है, मोर ओवर देयर इज वेरी लिटिल वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन का, बहुत कम होता है, और ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंड नहीं करता है इस तो स्टिग्मा. देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनडेफिनेट, और यहां पर कोई मेंटेन देर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होती है. डिसएडवांटेज में क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होने से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से एक्सट्रीम फॉर्म में इनब्रीडिंग हो जाती है एंड कैन रिजल्ट अ लॉस ऑफ विगर ऑफ इन ऑफ स्प्रिंग एंड फर्दर मोर यूजफुल कैरेक्टर्स आर नॉट इंट्रोड्यूस इन द प्रोजेनी. दिस इज द डिसएडवांटेज. क्रॉस पॉलिनेशन आपका है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ये जेनोगेमी या एलोगेमी से बोला जाता है. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के इज अ डिवाइस जिसमें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन होता है, ये है आपके सिलेबस में. कॉन्ट्रोवर्सीज एंड एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या जिसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, ये आ सकता है. अगर कॉन्टिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी विगर कम हो जाता है, उतने जो वेल अडेप्ट कर सकें वैसे सीड और प्लांट्स नहीं बन पाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करी जाती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है.
Flowering plants have developed many controversies to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination, क्योंकि cross-pollinated plants जो हैं वो well adapt हो जाते हैं environment से, क्योंकि उनमें genetic recombination होता है. Main controversy क्या है? Self-sterility, यानी अपने ही pollen grain के लिए वो sterile होना चाहिए. Pollens of a flower either not to grow at all और ये बहुत slowly grow हो, जिससे कि stigma जो है of the same flower fall on the, अगर वो fall हो तो उससे जो है prevent हो जाए, fertilization ना हो. डाइचोगेमी में जो है मैच्योरेशन ऑफ पॉलेंस एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एट डिफरेंट टाइम हो, यानी कि प्रोटोगैनी एंड प्रोटेंड्री. प्रोटोगैनी में गाइनिशियम जो है वो पहले मैच्योर हो जाए और प्रोटेंड्री में एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाए. तो दिस डाइचोगेमी इज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन हो गया आपका. ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस है, आप इसमें से देख लीजिएगा, इट्स वेरी इजी. एंड देन हाकोगेमी में क्या होता है, बायोसेक्शुअल. हाकोगेमी में कुछ बायोसेक्शुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें एंथर और स्टाइल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि ऑटोगेमी जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसे हाकोगेमी बोलते हैं. जैसे स्टाइल बहुत लॉन्गर है, बाहर निकली हुई है स्टेमन से, तो स्टेमन नीचे है और स्टाइल जो है इट इज फेल टू रीच, तो पॉलन ग्रेन्स फेल टू रीच द स्टिग्मा, है ना, इस तरीके का. हेट्रोस्टाइली में आपका क्या होता है, इट इज डायमॉर्फिक प्लांट. इसमें डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स होते हैं, शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स होते हैं, तो ये भी एक हो गया. यूनिसेक्सुअलिटी, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं, कुछ पिस्टिलेट होते हैं, तो उनमें बिल्कुल जैसे मोनिशियस प्लांट जितने भी आपके मेज हो गया, कैस्टर हो गया, मोनिशियस प्लांट है जिसमें इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटनोगेमी, इसमें प्रिवेंट नहीं हो पाती है. जैसे पपाया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो ये इस कंडीशन में प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी. ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, कैस्टर और मेज मोनिशियस प्लांट है तो इसमें ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो सकती जा सकती है, गिटनोगेमी नहीं कर सकते हैं. लेकिन पपाया प्लांट में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, डिफरेंट है, डायशियस प्लांट है, तो इस कंडीशन में ऑटोगेमी गिटनोगेमी दोनों जो है प्रिवेंट हो जाती हैं. तो इसके बाद हम एजेंट आ जाते हैं. एजेंट जो है पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं, एयर वाटर वगैरह हो सकता है, बर्ड इंसेक्ट्स वगैरह हो सकता है. एनिमोफिली जो है पॉलिनेशन बाय विंड है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू विंड इज नोन एज एनिमोफिली. और ये जो है इसके ये अडेप्टेड है, तो इसमें जो है फ्लावर्स होते हैं यूजुअली इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर होते हैं, वर्जेटाइल एंथर्स होते हैं विच कैन स्विंग फ्रीली बाय द एयर करेंट्स. और जो है स्मूथ वॉल रिलेटिवली, पॉलन ग्रेन्स जो है वो लाइट होने चाहिए, स्मॉल ड्राई होने चाहिए ताकि वो एयर से ब्लो कर सकें. ठीक है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए क्योंकि रास्ते में ये लॉस्ट हो जाएंगे. स्टिग्मा जो है एनिमोफिलस फ्लावर का कंपेरेटिवली लार्ज हो, प्रोट्यूडिंग हो, बाहर निकला हो ताकि वो उससे फेदरी हो, ये होना चाहिए. प्लांट्स लाइक पाम हो गया, ग्रासेस हो गई, ये पॉलिनेटेड बाय विंड है, ये इसके एग्जांपल हो गए. जनरली जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें ऑफन हैव अ सिंगल ओवल इन ईच ओवरी, न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसे मेज में है पूरा का पूरा कॉर्न कॉप जो है वो इन्फ्लोरेसेंस ही है, है ना. ये देखिए लिखा भी है, इन मेज प्लांट क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स, जो टेसल्स होते हैं वो क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स हैं, बॉर्न टर्मनी एंड फीमेल फ्लावर्स जो है कॉब है, यू अकर लेटरली एट लोअर नोड्स. तो ये जो है जो सिल्क ऑफ कॉब्स हैं वो प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द प्रोटेक्टिव लेयर्स कंप्राइजेस स्टिग्मा, और ये एज एंथर बस क्लाउड ऑफ डस्ट और पॉलन ग्रेन फ्लोट्स इन द एयर एंड कॉट प्रोट्यूडिंग स्टिग्मास एंड दस पॉलिनेशन इज ब्रॉट. हाइड्रोफिली में आप आ जाते हैं. हाइड्रोफिली जो है पॉलिनेशन बाय वाटर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली. एक्वेटिक में प्लांट्स मेक एक्सीलेंट यूज ऑफ वाटर फॉर पॉलिनेशन. प्लांट्स जैसे कि सिरेटोफिलम है, हाइड्रोला है, जोस्ट्रा है, वेलिस्नेरिया है, ये सारे परमानेंटली सबमर्ज, कुछ जो है उनके परमानेंटली सबमर्ज वाटर होते हैं, अडेप्टेड टू द वाटर, पॉलिनेटेड बाय द वॉटर. ये दो टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां आ जाएंगे. इन अनदर ग्रुप ऑफ वॉटर पॉलन प्लांट सच एज जी ग्रास है, फीमेल फ्लावर रिमेन समर्ज इन वॉटर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वॉटर. ठीक है, ये तरीका भी है. इन मोस्ट ऑफ द वॉटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स जो है प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग फ्रॉम म्यूसिलेजीनियस कवरिंग की वजह से प्रोटेक्ट रहते हैं. अब यहां पर आ जाते हैं कि ये डिफरेंशिएट क्या है, ये आ सकता है. इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट वेस्टेज इंसेक्ट. ये देखिए विंड पॉलिन एनिमोफिली है, इंसेक्ट पॉलिन एंटोमोफिली है, ये ध्यान रखेंगे. इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन की जरूरत है, एज द मैकेनिज्म मोर प्रिसाइज है. ये स्मॉल लाइट और स्मूथ होने चाहिए पॉलन, इसमें लार्ज और हैवियर होने चाहिए, प्रोजेक्शन होने चाहिए ताकि इंसेक्ट की विंग्स वगैरह में फंस सके वो. विंड पॉलिनेटेड ऑफन में प्लांट्स ग्रो इन ग्रुप्स होते चाहिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज ग्रो इंडिविजुअली में उसमें काम कर जाता है. फ्लावर्स
यूनिसेक्सुअल होते हैं एक्सेस ऑफ मेल फ्लावर्स, ये फ्लावर मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं. फ्लावर्स डल सेंटलेस और नेक्टरलेस होते हैं, जिसमें फ्लावर ब्राइट सेंटर और नेक्टर होता है. स्टिग्मास लॉन्ग होते हैं, फेदरी होते हैं, एडहेसिव होते हैं, प्रोट्रूड अबव पेटल्स होते हैं, और स्टिग्मा इंसेक्ट के ऑफन स्मॉल डीप इन कोरोला. स्टेमेंस लॉन्ग एंड प्रोट्रूड होते हैं, अबव पेटल्स होते हैं, एंड स्टेमेंस ऑफन कन्फाइंड विद इन द कोरोला. इसमें ग्रासेस और प्लेंटेगो इसका एग्जाम्पल है, और इसमें एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन है और बटरकप इसका एग्जाम्पल. बटरकप यानी रेनिनकुलस है, एंटी रेनम है इसका. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट आप कर लेंगे. एंटोमोफाइली जो है इंसेक्ट बाय पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट होता है. बीज, बटरफ्लाई, जितने बीटल्स, वैस्प, मॉथ्स, फ्लाइज, ये एंजियोस्पर्म में बहुत कॉमन है. इसमें एंटोमोफाइलस फ्लावर जो होते हैं उनके अडेप्टेशन के लिए जो है इसको फ्लावर को लार्ज होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, सेंटर्ड होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, नेक्टर होना चाहिए ताकि वो लेने के लिए सुगरी सीरप आ सके. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल. इसके बाद यहां पर आ जाएं, ये सम स्पेशल मैकेनिज्म है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा. ये दोनों पेजेस आप छोड़ सकते हैं, बाकी सब छोड़ सकते हैं, सीधा एडवांटेजेस में आ जाएं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. एडवांटेजेस में क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे न्यू कैरेक्टर के प्रोजेनी बनते हैं, जो कि अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं इन्वायरमेंट में, और प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस मोर हेल्दी होते हैं. क्रॉस पॉलिनेटेड डिजीज रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग वेराइटीज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. डिसएडवांटेज ये है कि ये डिपेंड होता है एक्सटर्नल एजेंसी पे, और ये चांस ऑफ फैक्ट है कि ऑलवेज इन्वॉल्व कि वो आ सके कि नहीं आ सके, पॉलिनेटिंग एजेंट आए तो वो उन पे पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट है. और इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो खर्च होती है, और सिंस क्रॉस पॉलिनेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स समटाइम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, एक्चुअली मैंने जो बताया था आपको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन. ये फ्लावरिंग प्लांट में किसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर करी थी? स्ट्रेसबर्गर. आप इनका नाम याद रखिएगा. ठीक है, ये आ सकते हैं. इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो इतना नहीं आपसे पूछेंगे. द मेन, आपको पता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक भी स्टेप होता है मैस्कुलेशन, जिसमें जो है बैगिंग करी जाती है, जिसमें जो है जो मेल पार्ट होता है उसको निकाल लिया जाता है फ्लावर से, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर से, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, मेल पार्ट को निकाल लिया जाता है स्टेमेंस को, फिर बैगिंग कर दी जाती है ताकि कोई और जो है पोलन ग्रेन उसमें ना आ पाए, और आप अपनी पर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमेन फ्रॉम द फीमेल फ्रॉम द फ्लावर बिफोर दे बस्ट एंड शेड इन टू द पोलन इज नोन एज इमेस्कुलेशन. मेल पार्ट को यानी स्टेमेंस को करना, और द मेन पर्पज ऑफ इमेस्कुलेशन है ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ ना हो सके. इमेस्कुलेट करने के बाद बैगिंग कर दी जाती है बटर पेपर वगैरह से टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा. अनवांटेड कोई उसमें आकर जो इसे फर्टिलाइज कर दे, इसलिए हम बैगिंग कर देते हैं. ठीक है, और बैगिंग हम बैग कब उसे ओपन करते हैं? बैग तब ओपन करते हैं जब स्टिग्मा जो है अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर हो जाए, तो अपने पसंद का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं ताकि जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके. जो फीमेल पेरेंट होते हैं, जो फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, उनको जरूरत ही नहीं मैस्कुलेशन की, क्योंकि मेल पार्ट उनमें है ही नहीं. ठीक है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं कि पोलन ग्रेन स्प्रेड हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ही, ये स्टिग्मा तय करेगा कि वो रिसेप्टिव है कि नहीं है, आगे प्रोसेस होगा या नहीं होगा. इन ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टूगेदर रिफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा. द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट कंपेटिबल, उसी की स्पीशीज का है या नहीं है, कोई रॉन्ग टाइप का आके स्प्रेड हो गया, ये चेक करेगी पिस्टिल. द राइट टाइप ऑफ पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, यानी इसमें पॉलन ट्यूब वगैरह बनेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा. एंड रॉन्ग टाइप है तो पॉलन उसे जो पिस्टिल है उसे रिजेक्ट कर देगी, प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑफ द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल. इन जनरल द पॉलन पिस्टन इंस्ट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन. अब आप आ जाएं यहां पर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रोथ क्या होगा. जब पॉलन ग्रेन शेड होता है टू सेल स्टेज में, तो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल की स्टेज में, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं टू मेल गैमेट्स में, और ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जब ग्रो कर रही होती है स्टिग्मा में, तो ये थ्री सेल स्टेज में जो पॉलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है टू मेल गैमेट्स को बिगनिंग में. जब पॉलन जो है लैंड होते हैं रिसेप्टिव स्टिग्मा में, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. सरफेस ऑफ स्टिग्मा में पॉलन हाइड्रेट होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, स्वेल करता है, पॉलन ट्यूब
प्रोड्यूस होती है. स्टिग्मेटिक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट बाय द स्टिग्मा सिक्रीट करती है शुगर लिपिड रेजिन, जिसे कि सुटेबल मीडियम प्रोवाइड होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ट्यूब पेनिट्रेट टू द स्टिग्मा से पेनिट्रेट होती है एंड द एंजाइम नोन एज क्यूटिनेज जो है वो पोलन ग्रेन को जो कि पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होती है और पोलन ट्यूब में, जिसकी वजह से क्यूटिन ऑफ स्टिग्मा जो है प्लेस ऑफ कॉन्टेक्ट से पोलन ट्यूब इमर्ज आउट होती है और पोलन ट्यूब बढ़ना शुरू करती है. इमर्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा एंड पुशेज इट्स वे थ्रू द स्टाइल एंड डाउन द वॉल ऑफ द ओवरी. फिर पोलन ट्यूब एक बार हो गया तो तीन तरीके से पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियोसाइट में एंटर कर सकती है. देयर आर थ्री वेज. द पोलन ट्यूब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द ओव्यूल एंड इट मे एंटर द ओव्यूल थ्रू विच वन ऑफ द एनी वन ऑफ द थ्री रूट्स. पोरोगैमी यानी व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रो, ये मोस्ट कॉमन मेथड है. हम जैसा कि हम लोग बताते हैं माइक्रोपाइल एंड से एड हो रही है, एंटर हो रही है, तो ये आपका पोरोगैमी हो गया. दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द पोलन ट्यूब एंट्री ऑफ द ओव्यूल. चेलेजोगैमी जो है व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू द चेलेजल एंड एंड दिस कंडीशन इज नोन एज चेलेजोगैमी. ये जो है बिटुला जो है आपका पान को बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें वहां पर होता है. मीसोगैमी वहां पे है जहां पे ना इंट्यूबमेंट ओव्यूल थ्रू इंट्यूबमेंट द कंडीशन इज मीसोगैमी. कहीं बीच से एंटर हो जाए मीसोगैमी में, ठीक है, जैसे कुकुरबिट्स में होता है. इसके बाद एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियोसैक, एक बार इसमें एंट्री हो गई फिर इसमें माइक्रोपाइल एंड से ही जनरली हम लोग देखते हैं, कॉमनली वहीं से एंट्री होती है. इसके बाद इसमें एंट्री में हेल्प कौन करता है? सिनर्जिट. सिनर्जिट का रोल मैंने बताया, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं मेल गैमेट्स को ताकि वो एम्ब्रियोसैक में एंटर कर सके और एक्सेल से फ्यूज कर सके. एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर जाए एक्सेल से और दूसरा फ्यूज कर जाए पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से. डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू पोलन ट्यूब आफ्टर एंट्रिंग इनटू द एम्ब्रियोसैक द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बस्ट हो जाती है. दो मेल गैमेट जो डिस्चार्ज होता है, ट्यूब न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है यानी ट्यूब न्यूक्लियस यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस और बिफोर बस्टिंग ऑफ द पोलन ट्यूब और दोनों मेल गैमेट जो है रिलीज हो जाते हैं एमीबॉइड मूवमेंट करते हुए एक एग की तरफ चला जाता है एक पोलर न्यूक्लियस की तरफ और इसको गाइड करता है सिनर्जिट. फ्यूजन ऑफ गैमेट सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? एक मेल गैमेट जो है वो एग में फ्यूज हो जाता है, इसे इस प्रोसेस को फ्यूजन और जैगोट बना लेता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी. दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाता है जिसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस क्योंकि तीन न्यूक्लियस वहां पर हैं और प्राइमरी एंडोस्पर्म यानी पेन बनाता है न्यूक्लियस, ठीक है. इसके बाद ये जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट टू द एग न्यूक्लियस एंड द अदर गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई. दिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. और इस फिनोमेना को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था एसजी नावाश्चिन ने किया था. फिर क्या, इवेंचुअली डिप्लॉइड जैगोट डेवलप होता है इंटू एम्ब्रियो में और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है एंडोस्पर्म. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शुअल पिस्टिल ये आप डायग्राम कर लेंगे यहां से, ये बिल्कुल वही वाला आपको डायग्राम बनाना है और बस ऊपर से ये आपको ओवरी और यहां पर स्टिग्मा और ये कुछ पोलन ट्यूब्स बना देनी है. फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जितने भी प्रोसेस हैं एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, सीड, ओवरी, फ्रूट, ये सब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले एंडोस्पर्म बन जाता है यानी खाना पहले बन जाता है, एम्ब्रियो बाद में डेवलप होता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म में डिवीजन होते हैं और वो जो है अल्टीमेटली फॉर्म करता है एंडोस्पर्म. ये हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. कुछ प्लांट जैसे पी, बीन्स, ग्राउंडनट, एंटायर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप होने के दौरान. तो मैच्योर सीड के पास विदाउट एंडोस्पर्म होता है. इस तरीके के सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. इनमें कॉटिलीडॉन जो है वो फ्लशी होते हैं क्योंकि अब जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे वो कॉटिलीडॉन्स प्रोवाइड करेंगे. सीरियल, कोकोनट, कैस्टर, ये जो है इनमें इट कंटेन्स एंडोस्पर्म इवन एट मैच्योरिटी. इसमें एंडोस्पर्म रहता है बाद तक भी. आपने देखा है कोकोनट वाटर, दैट इज एंडोस्पर्म, है ना. और ये एंडोस्पर्म जो है सीड में रहता है आफ्टर जर्मिनेशन ऑल्सो. इसमें जो कॉटिलीडॉन्स है वो पेपरी होते हैं क्योंकि सारा रोल जो है फूड देने का वो एंडोस्पर्म कर रहा है. टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में आ जाए, एंडोस्पर्म जानते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है. ये फ्यूजन में से बनता है थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. टू ऑफ दिस न्यूक्लियाई जो मेल गैमेटोफाइट को बिलोंग करते हैं यानी पोलर न्यूक्लियाई को, और एक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को करते हैं और एक जो है वो मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेट को बिलोंग करते हैं. ऑन द बेसिस ये तीन तरीके के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमन है, सेलुलर उससे कम है और हिलोबियल सबसे कम पाया जाने वाला. सेलुलर एंडोस्पर्म जो डायकोट फैमिली को बिलोंग करता है, हिलोबियल जो मोनोकॉट को करता है. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म कॉमनली अकर्स इन पॉलीपिटेलस या आप सिंपल बोल दें डायकोट फैमिली में करता है, जैसे ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल है.
ठीक है. इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फर्स्ट फ्यू डिवीजन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर, ये एकॉम्पोनेंट नहीं होते, सेल वॉल नहीं बनता, न्यूक्लियर रिमेन फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एम्ब्रियो सैक. ये देखिए, ये न्यूक्लियस जो है कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस 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 पूरा भरा हुआ है. ठीक है, इस तरीके से है. और जैसे कि आपका कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें वाटरी लिक्विड एंडोस्पर्म में फिल्स लार्ज एम्ब्रियो सैक को फिल कर लेता है. इसमें न्यूमरस फ्री न्यूक्लियर, इट इज लिक्विड सिंस्टियम है. लिक्विड सिंस्टियम हम जानते हैं, जब न्यूक्लियस बने और सेल वॉल फॉर्मेशन ना हो तो उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ हो जाते हैं, उन्हें सिंस्टियम बोला जाता है. वाटरी एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कंटेन ग्रोथ प्रमोटिंग कोकोनट फैक्टर, तो ये जो है न्यूट्रिएंट मीडियम कल्चर मीडियम के लिए यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है. दूसरा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है. सेलुलर एंडोस्पर्म में, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में कॉकर ये गैमोपिटलस डाइकोटिलेड फैमिली में होता है, पाया जाता है. और इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन होती है पहले डिवीजन के बाद. पहला डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का होता है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर वॉल बन जाती है. द फर्स्ट वॉल इज लेट डाउन ट्रांसवर्सली, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट इरेगुलर डिवीजन होते हैं लेटर ऑन. दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू. कोई रेगुलर अरेंजमेंट उसके अलावा नहीं होता. इसका मैं डायग्राम दिखा देती हूँ. ये देखिए, पहले न्यूक्लियस बना, उसके बाद ये वॉल बन गई, उसके बाद ये वॉल बनी रही और अपना ये न्यूक्लियस जो है इसमें इरेगुलरली डिवीजन होते रहे. इसके बाद यहां पर आ जाइए, इसमें हेलोवियल जो है, हेलोवियल ये टाइप ऑफ एंडोस है, ये इंटरमीडिएट होता है न्यूक्लियर सेलुलर के बीच का होता है. ये फैमिली ऑर्डर हेलोबेई को फॉलो में बिलोंग करता है, इसलिए इसे हेलोवियल एंडोस्पर्म बोलते हैं. इसमें फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, उसके बाद कोई वॉल नहीं बनती. दिस डिवाइड्स एम्ब्रियो सैक यूजुअली इनटू स्मॉल चैलेजल चैम्बर एंड लार्ज माइक्रोपैलेट चैम्बर बना लेता है. ये आपका बन गया, ठीक है, ये लार्ज माइक्रोपैलेट चैम्बर बन गया, ये स्मॉल चैलेजल चैम्बर बन गया. और इसमें न्यूक्लियस देखिए कितने सारे, इसके बाद फिर उसके बाद एक बार वॉल बन गई, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, सेल वॉल डिवीजन नहीं हुआ. और ये इसी तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होता रहा, यानी ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, ठीक है. इसके बाद एम्ब्रियो में आ जाए. एम्ब्रियो क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सीरीज ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल्स, जिससे कि वो सीड बन जाता है. जायगोट जो है आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट जो है डेवलप इनटू एम्ब्रियो. और इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस. डायकॉट एम्ब्रायो जो है वो दो, अगर दो कॉटिलेडॉन होते हैं रिमेन अटैच एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच होते हैं. मोनोकॉट एम्ब्रियो में एम्ब्रायोनल एक्सिस में केवल सिंगल कॉटिलेडॉन ही अटैच होता है. अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ डायकॉटिलेडॉनस. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ डायकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो. और ये डायग्राम के साथ करिएगा. द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज यूजुअली ट्रांसफर्स होती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एपिकल सेल बनती है और लार्ज बेसल सेल बनती है. स्मॉल एपिकल सेल को सीए बोल रहे हैं, लार्ज बेसल सेल को सीबी. मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ. दिस इज जायगोट, इसमें डिवीजन हुआ, ट्रांसफर्स डिवीजन हुआ, स्मॉल एपिकल सेल लार्ज बेसल सेल बनी, ठीक है. इसके बाद आप इसमें आ जाइए. द बेसल सेल ऑफ द टू सेल प्रो एम्ब्रियो, टू सेल प्रो एम्ब्रियो हुआ अभी है, क्लोज टू द माइक्रोपाइलेंट, वेयर इज द एपिकल सेल जो है उससे अवे, यानी बेसल सेल जो है वो माइक्रोपाइलेंट के पास होगा. द बेसल सेल जो है जिसे सीबी बोल रहे हैं, डिवाइड ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड हुआ इंटू सीएम एंड सीआई. तो ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल ही ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड हुआ, दो सेल बन गई सीआई और सीएम, ठीक है. इसके बाद सीआई और सीएम के बाद में आ जाइए. द एपिकल सेल सीए बाय लॉन्गिट्यूडनल, एपिकल सेल सीए में जो है ये देखिए, एपिकल सेल सीए में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ ये सीए में, ठीक है. इसके बाद यहां पर आ जाइए, सीए बाय लॉन्गिट्यूडनल वॉल. और इनका शेप कैसा बन गया, इन्वर्टेड टी का शेप बन गया. नाउ प्रो एम्ब्रियो एज्यूम्स द इन्वर्टेड टी शेप. द टू टर्मिनल सेल्स जो है formed by longitudinal division of the apical cell, divide again by the longitudinal wall at right angle to the first, and thus quadrant is formed. And each cell of the quadrant divided by the transverse wall giving rise to octant stage. इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ये longitudinal division हुआ, उसके बाद further इसमें longitudinal division एक और हुआ, और उसके बाद इसमें transverse division हुआ. ये कौन सा, quadrant stage बन गई, quadrant में transverse cells बनी और ये octant stage बन गया. यही इन्होंने बनाया. ये किससे हुआ, apical cell में हुआ है, ठीक है. At the same time जो basal cells हैं CM and CI undergoes, उसमें भी transverse division होंगे and giving rise to elongated suspensor cells of 6 to 10 cells. इसमें कई सारे डिवीजन सेल्स हुए और ट्रांसफर्स, और इन्होंने क्या बना लिया, सस्पेंसर सेल बना लिया, ठीक है. ये देखिए लिखा हुआ है सस्पेंसर सेल्स. इसके बाद यहां पर डिस्टल मोस्ट ऑफ द सस्पेंसर सेल विच इज कॉन्टीजियस एंड हैव स्पेरिंग स्फेरिकल डिस्टल पार्ट ऑफ द प्रोएम्बियो फंक्शंस एज हाइपोफिसिस. तो ये जो है ये हाइपोफिसिस का काम कर रहा है, ये वाला एंड जो डिस्टल मोस्ट एंड है, ये वाला हाइपोफिसिस का काम कर रहा है. एंड ये जो है द सेल्स ऑफ द डिस्टल स्फेरिकल रीजन ऑफ द प्रोएम्बियो, इसमें फर्दर डिवीजन होगा. एंड एज द टू कॉटिलेडॉन डिफरेंशिएट एंड स्फेरिकल प्रोएम्बियो जो है बिकम समवट
फ्लैटन कॉर्डेड बॉडी बना लेगा, हाइपोफिजिस सेल्स हैं, इसके बाद ये कॉर्डेड बॉडी इसने बना ली, हार्ट शेप बॉडी बना ली, इसके बाद कॉटिलीडॉन और हेपिकोटाइल इलोंगेट होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, और उसके बाद डिप्रेशन बीच में दो कॉटिलीडॉन्स के आ जाएंगे। द मेच्योर एम्ब्रियो जो है कंसिस्ट टू कॉटिलीडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो लेवल ऑफ द कॉटिलीडॉन उसे एपिकोटाइल बोलेंगे, जिसमें टर्मिनेट होता है प्लीम्यूल से, सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलीडॉन हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो टर्मिनेट होता है रेडिकल से, जिसमें रूट टिप भी होती है, रूट टिप कवर्ड होती है रूट कैप से। तो ये हो गया आपका, देखिए डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू मोनोकॉट। मोनोकॉट के तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके डायग्राम की ये पूरी आपको यहां तक इस डायग्राम की जरूरत है, यहां से आप बताएंगे समझाएंगे और यहां तक समझाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट बाय ट्रांसवर्स वॉल एंड दस द एपिकल सेल एंड बेसल सेल आर डिफरेंशिएटेड। द एपिकल सेल अंडरगोस टू डिविजन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड गिविंग राइज टू क्वाड्रेंट एंड साइमल्टेनियसली द बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग टू सेल, और उसके बाद जो है अपर डेरिवेटिव लाइक क्लोज टू क्वाड्रेंट एंड कॉन्टिजियस एंड क्वाड्रेंट जो है लोअर डेरिवेटिव सी ट्रांसवर्सली टू फॉर्म द टू सेल्स। इसको आप देख लेंगे ये इसी तरीके से है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, जायगोट हो गया, एपिकल सेल बेसल सेल बन गया, उसके बाद फिर से इसमें डिवीजन हुआ और ये जो है आपका बिल्कुल सेम वैसे ही है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही अंतर के साथ में है। तो एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट पॉसेस ओनली वन कॉटिलीडॉन इन द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली में कॉमन है, इसमें इसके कॉटिलीडॉन को स्कुटलम बोलते हैं, जो कि सिचुएटेड लेटरल साइड ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस में सिचुएटेड होता है, लोअर एंड ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस में रूट रेडिकल होता है जिसमें रूट कैप होती है और अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रोटेक्टिव शीथ होती है जिसे कोलियोराइजर बोलते हैं, और द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम से ऊपर जो होता है उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, और इसके ऊपर भी आपकी एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जिसे कोलेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आप डायग्राम कर लेंगे इसका, ये वाला डायग्राम, और ये थोड़ा सा डायग्राम अगर आप कर सकें तो ये बेसल सेल है, ये एपिकल सेल है, फिर इसके बाद इसमें फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इसमें देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ एपिकल सेल्स एंड कॉर्डन स्टेज बन गई, यहां तक तो आप कर ही लेंगे, बहुत ईजी है, जब वो वाला करेंगे तो ये वाला तो आ ही जाएगा। और ये थोड़ा सा डायग्राम आप देख लें, वैसे ये डायग्राम पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी इनकेस आपको पूछ सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम कर चुके हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, इससे पहले भी। तो ये जो है मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली जो है मियोटिक डिवीजन हैप्लॉइड एग डायरेक्टली जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो इंडिविजुअल बना लेता है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, एंड इसमें आप कर लेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हैप्लॉइड्स इन धतूरा बाय ब्लैक्सली मैनी फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट से इंड्यूसेस पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी क्या है, इन सम प्लांट्स However, normal fruit development may occur without normal fruit जो है without fertilization बन गया, fruit without develop without fertilization उसे पार्थिनोकार्पिक fruits बोलते हैं और इस फेनोमिना को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। नॉर्मली जो है कल्टीवेटेड प्लांट बनाना सिट्रस ग्रेस पाइनएप्पल ये सब कुछ जो है ये पार्थिनोकार्पी इससे होती है, ठीक है। इसके बाद इनकॉम्पेटिबिलिटी ये हम कर ही चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि पिस्टल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेट है fails to set seeds allow following pollination with viable and fertile pollen and capable of bringing of fertilization in another pistil, the two are said to be incompatible and the phenomena is known as sexual incompatibility, ठीक है। ये हम इससे पहले कर चुके हैं incompatibility। पॉली एम्ब्रियोनी में आपको क्या करना है, पॉली एम्ब्रियोनी में जो बहुत सारे ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, नॉर्मली सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सीड लेकिन समटाइम्स क्या होता है मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड, इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। नेचर में देयर आर मेनी प्लांट्स हूज सीड्स आर मोर देन वन एम्ब्रियो, जैसे पॉली एम्ब्रियोनी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट बाय एवी लिवेनहॉइक्स ने करा था, द सीड ऑफ ऑरेंज में ऐसा पाया गया था। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम ऑफ द एस्टेरेसी और ग्रासेस की स्पीशीज हैं, इसमें स्पेशल मैकेनिज्म होती है सीड की प्रोड्यूस होने की विदाउट फर्टिलाइज, यानी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, और ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह है सेक्सुअल प्रोसेस का एसेक्सुअल मेथड में, ठीक है। एपोमिक्सिस इज अ सेक्सुअल प्रोसेस सब्स्टिट्यूट ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस इन एसेक्सुअल मेथड, तो ये एपोमिक्टिक प्लांट्स हैं, ये अपने एस्ट्रेसी और ग्रासेस में ये पॉसिबल है। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइज ओव्यूल इंक्रीजेस इन साइज, सीड में इंटिगमेंट जो है सीड कोट बन जाता है, हार्ड टेस्टा एंड थिन मेम्ब्रेन टेगमेंट बन जाती है, पेरिस्पम जो सीड की न्यूसिलस परसिस्ट अगर होता है तो सीड में तो उसे पेरिस्पम बोलते हैं, फिनिकल बिकम्स द स्टॉक ऑफ द सीड हो जाती है, माइन्यूट स्केयर जो है वो ऑन द सर्फेस इज हाइलम,
उसके बाद ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मॉर्फोलॉजिकली फ्रूट जो है वो राइपन्ड ओवरी होता है. फ्रूट वॉल जो है मैच्योर होकर पेरिकार्प बना लेती है. अब क्या है, ओवरी पेरिकार्प बन गया, ओवरी फ्रूट बन गई, ओवरी वॉल पेरिकार्प, ओव्यूल सीड, फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ द सीड, हाइलम हाइलम ही रहा, न्यूसिलस पेरिस्पम बन गया, वेन अगर प्रेजेंट है तो माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल रहेगा, आउटर इंट्यूबमेंट टेस्टा, इनर इंट्यूबमेंट टेगमेंट में, यानी सीड कोट बन गया. एम्ब्रायो सैक में सिनर्जिड्स डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक्सेल एम्ब्रायो में कन्वर्ट, एंटीपोडल डिसऑर्गेनाइज हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बन जाएगा. सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट जो है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में और हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड इनटू डिस्टेंट प्लेसेस. एनिमल्स वगैरह खाते हैं और उसे जो है इधर उधर कर देते हैं तो वो जो है डिस्पर्स कर देते हैं. सम फ्रूट्स आर न्यूट्रिटिव टू द डेवलपिंग सीड्स सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट ऑन वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट. हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और ये जो है आपका यहां पर आ जाइए, फ्रूट में आ जाइए. द फ्रूट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस टू द ओवरी टू ग्रो अ फ्रूट. इफ सम रीजन फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है तो ओवरी सिंपली विदर्स, फॉल ऑफ हो जाती है. बट इन सर्टन प्लांट फ्रूट्स में भी फॉर्म विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. सच फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. जैसे बनाना इसका एक एग्जाम्पल है. फ्रूट कंसिस्ट पेरिकार्प होता है विच डेवलप्स द ओवरी वॉल और सीड डिराइव फ्रॉम द ओव्यूल. द पेरिकार्प में भी थिन और थिक होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर पेरिकार्प. ई मिडल मीजोकार्प होता है जो कि कई बार जो है एडिबल होता है, एंड इनर एंडोकार्प होता है जो कि अधिकतर स्टोन जैसा होता है अंदर, यानी गुठली जिसे बोलते हैं. बट इन ड्राई फ्रूट्स पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड एंड इज यूजली पेपरी वुडी होता है, जैसे आमंड वगैरह में. व्हेन अ फ्रूट डेवलप एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ये देखिए यहाँ पे आप इसका मैंगो का देख सकते हैं, ऊपर का छिलका जो है एपिकार्प है, जो ये इसका फ्लेशी पोर्शन है मीजोकार्प है, और जो अंदर का स्टोन जैसे जो इसकी गुठली है वो एंडोकार्प है. ठीक है, तो व्हेन अ फ्रूट डेवलप एक्सक्लूसिवली केवल ओवरी से बने तो उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं. जैसे मैंगो हो गया आपका, ग्रेप्स हो गए, ग्वावा हो गया. ठीक है, लेकिन अगर ओवरी के अलावा भी कोई अदर फ्लोर पार्ट फ्रूट बना रहा है तो उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल थैलमस, अगर आप एप्पल देखें तो उसमें थैलमस ये बनाता है. ठीक है, सीड जो है द इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन. इनफैक्ट द फर्टिलाइजेशन ऑफ मैच्योर ओव्यूल प्रोसेस एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, स्टोर्ड मटेरियल एंड प्रोटेक्टिव कोट होता है. जैगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज़ टू एंडोस्पर्म एंड इंट्यूबमेंट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कोट हो जाती है. सीड रिमेन्स अटैच टू द प्लेसेंटा थ्रू स्मॉल स्टॉक नोन एज फिनिकल और वही हाइलम और वही चीज. इसमें एक चीज और देख लेंगे, सम सीड्स में ब्राइट कलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है. सम सीड्स अ ब्राइट कलर स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द सर्फेस ऑफ आउटग्रोथ एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एरिल. ठीक है, एरिल जैसे एकेशिया में होता है. ठीक है, इसके बाद सीड्स आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स टू इंश्योर परपिटेशन एंड स्प्रेड टू न्यूअर एरियाज. एंड एनुअल प्लांट सीड्स में केवल मल्टीप्लीकेशन का कॉन्टिन्यूड एक्जिस्टेंस, क्योंकि अब सीड हम इकट्ठा कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर में फिर वही सीड लगाते हैं. सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यंग एम्ब्रियो को. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो न्यू कॉम्बिनेशन लीड वेरिएशन करते हैं. सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर. डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड. सीड को तभी स्टोर कर सकते हैं जो वो डिहाइड्रेट हो, है ना. तो ये दिस इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. क्लासिफिकेशन ऑफ सीड करने की जरूरत नहीं. मोनोकॉट, डायकॉट, एंडोस्पर्म, एक्सोस्पर्म, हम ये जो है एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस. देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं, बता चुकी हूं मैं पहले, अभी हम लोग कर चुके हैं. एल्बुमिनस जो है एंडोस्पर्मिक है, बाकी हम सब कर चुके हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा और एक बार मेरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सीबीएसई बोर्ड का है उसे आप चाहें तो डायग्राम बनाना सीख सकते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.